प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। विधानसभा चुनाव को लेकर के जेडीयू की लखनऊ में एक अहम बैठक हुई है, उसमें कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। हमारे साथ बात करने के लिए राष्ट्रीय महासचिव और यूपी प्रभारी के सी त्यागी जी हैं। सर, क्या कुछ उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर के क्या कुछ रणनीति बनी है? आज उत्तर प्रदेश पार्टी के पदाधिकारियों की बैठक थी, जिसमें पार्टी ने अलग चुनाव लड़ने का फैसला किया। भारतीय जनता पार्टी से जो वार्ता थी वो टूट चुकी है और अब हम यूपी में अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेंगे। आज पार्टी की उत्तर प्रदेश की कमेटी ने कुछ नाम तय किए हैं, जिस पर कल दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व अपनी मोहर लगाएगा। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी ने, जो प्रमुख वार्ताकार थे श्री RCP सिंह जी, मुझको और अनु पटेल जी को मीटिंग का न्योता दिया है। कितने उम्मीदवार लड़ेंगे और कहाँ से लड़ेंगे ये पार्टी कल तय करेगी और कल एक सूची भी जारी करेगी। सर, कहाँ पे चूक हुई है, किधर से कमी है जो गठबंधन नहीं हो पा रहा है लखनऊ में? नहीं, बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और हमारी तरफ से किसी स्टेज पर न तो संख्याओं को लेकर के और न क्षेत्रों को लेकर के कोई विवाद था। ये प्रश्न आप भारतीय जनता पार्टी, जो हमारी मित्र पार्टी है, उनसे पूछे तो बेहतर है। तो अलग चुनाव लड़ने का निर्णय सर हो चुका है, कल लिस्ट जारी हो जाएगी, तो इसका असर बिहार में और बाकी जहां आपका अलायंस है BJP से, उस पर कुछ पड़ेगा? नहीं, इससे पहले भी कई राज्यों में हम और BJP अलग अलग चुनाव लड़ चुके हैं, इससे NDA की सेहत पर या बिहार NDA की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या इशू होंगे सर यूपी में चुनाव लड़ने के लिए? किसानों के सवाल हैं, MSP का सवाल है, जातिगत जनगणना है, सोसाइटी के जो वीकर सेक्शन हैं, जो मार्जिनलाइज्ड हैं, उनके सोशो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट का सवाल है, बहुत सवाल। सर, अभी चांस है कुछ क्या उत्तर प्रदेश में BJP के लाइन सर? नहीं, हमारी तरफ से अब कोई पहल नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी कोई पहल करेगी तो उसका सवाल। तो ये थे आशीष त्यागी जी, जिनका साफ कहना है कि BJP अगर पहल करेगी तो ठीक है, हमारी तरफ से कोई पहल नहीं होगी और कल एक दिल्ली में बैठक होने के बाद सूची जारी करने का एक काम करेगी। मैं रजनीश यादव, प्रभात खबर, लखनऊ। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई।